नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज माटी त्यौहार है और आज पारंपरिक तरीके से माटी त्यौहार किस तरह से मनाया जाएगा आप आगे वीडियो में देख पाएंगे, तो बने रहें आज की इस वीडियो में। देख सकते हैं फ्रेंड, इस तरह का माहौल है, पूरा गांव के लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं माटी त्यौहार बनाने के लिए। देख सकते हैं पूरा खाने वगैरह का तैयारी चल रहा है और इस तरह से पूरे अपना अपना ग्रुप बना के यहाँ पर खाना वगैरह बना रहे हैं। अभी पूरी तैयारी चल रहा है, कुछ देर बाद यहाँ पर पूजा पाठ माटी पुजारी के द्वारा किया जाएगा। सब अपने अपने घर से धान की पोटली लेके आए हैं, आप देख सकते हैं, मैं ले जा कर आपको दिखाता हूँ। इस तरह से है यहाँ का सीन, तो देख सकते हैं यहाँ पर पूरे गाँव के लोग अपने अपने घर से सियाणी के पत्ते से बना पोटली बना के लाए, इसके अंदर धान रखा हुआ होता है और इस धान की पोटली को माटी पुजारी के द्वारा पूजा पाठ किया जाएगा। उसके बाद फिर जो धान है उसको एक जगह ले जाके, एक निश्चित जगह पर ले जाके उसको बोया जाता है और फिर जो पोटली में बचा हुआ धान को आधा को वो अपने अपने घर लेके जाते हैं। तो इस तरह से आगे माटी त्यौहार का कार्यक्रम होगा, तो बने रहें आज के इस वीडियो में। सब अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, दोनों बनाया जा रहा है, देख सकते देख सकते हैं यहाँ पर धान की पोटली को मिट्टी लगाने के लिए मिट्टी तैयार किया जा रहा है। देख सकते हैं इस तरह से धीमा की बामी से मिट्टी लाकर उनको तैयार किया जा रहा है और इसे पूरी तरह से कीचड़ बनाया जाएगा और जो धान की पोटली है उसको कीचड़ से सान दिया जाएगा, वो आगे आप देख पाएंगे। देख सकते हैं ये जो पोटली दिख रहा है, ये सियाणी पत्थर से बना हुआ धान का पोटली है और इसका सेवा अर्जी कुछ देर बाद माटी पुजारी के द्वारा
किया जाएगा। हम देख सकते हैं पूरे गांव के लोग अपना अपना घर से धान की पोटली लेके आए हैं, देख सकते हो। तो इसका कुछ देर बाद पूजा पाठ होगा। तो फ्रेंड्स,
फ्रेंड देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर लोग माटी तियारा बनाने आए हैं और यहाँ पर सब लोग अपना खाना वाना सब तैयार कर लिए हैं और माटी पुजारी का भोग लगाने का इंतज़ार कर रहे हैं। देख सकते हैं इधर पूरा अपना अपना खाना वाना बना लिए हैं। जब तक पुजारी का भोग अपने वहाँ पर नहीं लगेगा तब तक इन लोग भी खाना नहीं खाएंगे। तो इस तरह से देख सकते हो आप पूरे गांव के लोग जो अपने अपने जो खाना बनाए हैं पुजारी के भोग लगाने का इंतज़ार कर रहे हैं। देख पा रहे हैं आप लोग इस तरह से है सीन यहाँ का। पेन पुरकाओं को धूप दिखाकर उनका भोग चढ़ाया जाएगा। अब देख सकते हैं धूप दिया जा रहा है, इसके बाद उनको भोग चढ़ाया जाएगा। देख सकते हैं माटी पुजारी के द्वारा चावल और जो मुर्गी के मांस का भोग चढ़ाया जा रहा है। इस तरह से यहाँ की परंपरा रही है कि सबसे पहले अपने बहन पुरखाओं को बना चढ़ाया जाता है, मतलब भोग चढ़ाया जाता है। उसके बाद ही सब लोग अपना अपना भोग चढ़ाने के बाद उनको एक बार फिर से ओआरएस जाता है। भोग चढ़ाने के ओआरएस अब माटी पुजारी और गांव के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा भोग चढ़ाया हुआ खाना को खाया जा रहा है। उसके बाद फिर सभी जितने भी गांव के लोग आए हुए हैं अपना अपना जो खाना बनाए वो अपने अपने स्थान पर खाना स्टार्ट कर देंगे। अब वो भोग चढ़ाया गया, अब खाने की तैयारी चल रहा है। देख सकते हैं सभी अपना अपना खाने की तैयारी कर रहे हैं। पुजारी के द्वारा भोग चढ़ाया गया और अब देख सकते हैं इसके बाद फिर पुजारी के द्वारा पोटली से धान निकाला जाएगा, उसके बाद उसका पूजा की जाएगी। उसके बाद फिर एक निश्चित जगह पे जाके उसका छिड़काव किया जाएगा और कामना की जाएगी कि आने वाला जो सत्र में है वो ठीक हो, पैदावार अच्छी हो गाँव में और निरोग रहे, अच्छे फसल अच्छा हो, इस तरह से कामना की जाएगी। अब सब जितने भी माटी कोट में आए थे लोग उनके द्वारा खाना वगैरह खा लिया गया और अब माटी पुजारी के द्वारा धान फुटका को मिट्टी से लेप किया जाएगा, मिट्टी लगाया जाएगा। देख सकते हैं मिट्टी लगाया जा रहा है धान की पोटलियों में। इसके बाद एक एक करके सभी लोग अपना अपना जो घर से लाए हैं
धान की पुटका को मिट्टी से लेप करेंगे, उनको मिट्टी में लगाएंगे गीला मिट्टी से। देख सकते हैं फ्रेंड, माटी पुजारी के द्वारा जो धान के पुटका जो लोग लेके आए हैं अपने अपने घर से, उन सभी पुटकाओं से धान थोड़े थोड़े मात्रा में निकाला जा रहा है टोकनी में, और इस धान को एक निश्चित जगह ले जाकर भोया जाएगा माटी पुजारी के द्वारा, और पैन पुरखाओं से कामना की जाएगी कि पूरे गांव की जो धान की फसल है आगामी सत्र में अच्छी पैदावार हो। जो कोटली से एकत्रित किया गया था धान को, और टोकनी में उसको ले जाके एक विशेष जगह पर उनको बोया जाएगा। इस तरह से आज मतलब माटी त्यौहार के साथ ही जी को मतलब धान का जो चीज है उसको बोया जाएगा, और कामना की जाएगी कि आने वाला जो सत्र में है जो धान का फसल है अच्छी हो और निरोग रहे। परम्परा रही है वहाँ पर पूरे गाँव धान है जो पुटली मिला के माटी पुजारी के द्वारा जो एकत्रित किया गया था टोकनी में उसको ला के यहाँ पर बोया जा रहा है, बेचने को लगा रहा है। कामना की जा रही कि आने वाले भविष्य जो सत्र में है धान का जो संपन्न बने रहे और अच्छी फसल हो उसकी कामना की जा रही है।
नहीं उन चौपा दाई फिर उनके आए था उन पाचिया की आए थे तो दोस्तों तब माटी पुजारी को माटी कोट से सम्मान उनको कंधे में बिठा कर उनके घर तक छोड़ा जाता है। इस तरह का परंपरा सदियों से रही है। अब देख सकते हैं माटी पुजारी को उनके घर तक कंधे पर बिठा कर छोड़ा जा रहा है। देख सकते हैं अब घर पहुंच गए हैं और उनको हल्दी चावल टीका लगाकर स्वागत किया जा रहा है घर वालों के द्वारा। पुजारी को ससम्मान घर तक छोड़ने के बाद जो जितने भी लोग आए थे उनको मुबारक का पान करवाया जा रहा है। उसके पश्चात जो गांव के नंदेश्वरी माता मंदिर के जो पुजारी हैं उनको भी ससम्मान कंधे पर बिठाकर उनके घर तक छोड़ा जाएगा। देख सकते हैं उनको कंधे पर बिठाकर ससम्मान उनके घर तक छोड़ा जा रहा है। इस तरह से परंपरा हमेशा से चली आ रही है कि जो प्रमुख पुजारियों को उनके घर तक ससम्मान कंधे पर बिठाकर छोड़ा जाता है।
देख सकते हैं। और पुजारी के घर पहुंचने के पश्चात एक बार फिर अपने पेन पुरकाओं को एक बार याद किया जाता है, उनके समक्ष महुआ रस तरपा जाता है और कामना की जाती है कि सभी सकुशल अपने अपने घर को जाएं और हमेशा से उनका आशीर्वाद बना रहे। इस तरह से पेन पुरखाओं से सेवा अर्जी की जाती है, विनती की जाती है और साथ ही उसे क्षमा याचना भी की जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से मिट्टी त्यौहार संपन्न होता है और सभी लोग अपने अपने घर को जाते हैं। अगर मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर रखें ताकि इस तरह के वीडियो आप लोगों को आने वाले समय में देखने को मिल सकेगा। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।